हेलो एंड वेलकम टू क्लासेस 24। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा हरियाणा में अभी अभी TGT की 7,500 पदों पर वैकेंसी आई हुई है और कुछ अन्य भी बदलाव किए गए हैं। एस्टेट की वैलिडिटी आपकी बढ़ा दी गई है। चलिए इन सभी विषय को लेकर एक बार डिटेल में देख लेते हैं। पहले जो CET का आपका एग्ज़ाम होना है नवंबर में, उसके बारे में देख लेते हैं। ग्रुप सी के 32,000 पदों पर चयन जून तक ही हो पाएंगे। देखिए, जून का तो नाम ही लिया गया है, आप ये लगा के चलिए इनका पहले तो टेस्ट होगा नवंबर में। और सरपंची के जो ये इलेक्शन आने वाले हैं, अगर ये इलेक्शन बीच में आ गए तो आपका दिसंबर या जनवरी में टेस्ट जा सकता है, पॉसिबल है नवंबर में हो। हम नवंबर में लगा के चलते हैं, अगर नवंबर में भी टेस्ट होगा तो आपका रिज़ल्ट तैयार होने में, डाटा तैयार होने में 2-3 मंथ जाएंगे। उसके बाद नई वैकेंसियां निकाली जाएंगी, मतलब जून तक तो आपके नए फॉर्म फिल होंगे, कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक। तब तक तो नए फॉर्म निकलेंगे, फिल होंगे, क्योंकि फिल होने में भी 1 मंथ लगता है। जैसे आज निकाल दिए तो 1 मंथ की डेट दी जाती है, तो आपके अप्रैल मई तक लगा के चलो जो नए आएंगे वो फील होने स्टार्ट होंगे। उसके बाद एग्ज़ाम होंगे आपके सितंबर अक्टूबर 2023 तक, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। ये लगा के चलो आपके 2024 से पहले ये कोई भी ज्वाइनिंग नई वैकेंसी की होने वाली नहीं है। इतना लंबा प्रोसेस ये आपका कर दिया गया है, क्योंकि पहले CET होगा, रिज़ल्ट आएगा, फिर दोबारा फॉर्म निकलेंगे, उनका टेस्ट होगा, उनका रिज़ल्ट आएगा, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी जो भी होता है आपको पता ही है। तो इतना टाइम आपका लगेगा ही लगेगा इसमें। चलो एक बार देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। 32,000 पदों पर आपकी टोटल वैकेंसी आने के चांसेस हैं। इसकी डिटेल भी एक बार CET के नोटिफिकेशन में आई थी, कौन कौन सी वैकेंसी आई है, ठीक है। इसके अलावा जो भी टेस्ट होगा सिर्फ ग्रुप सी का होगा, उसके ग्रुप डी का एक अलग से टेस्ट होगा CET का। उसमें 22,000 तो बोल रहे हैं, लेकिन मुश्किल है इतनी आएंगी। आपकी पिछली बार 18,000 आई थी, तो आपके लगभग लगा के चलो इतनी, उसमें से काफ़ी तो खाली हो चुकी हैं आपकी 10,000 के लगभग, तो 10 से 15,000 के करीब आपकी ग्रुप डी की वैकेंसीज आएंगी। और बहुत सारे पद तो अब ख़त्म कर दिए गए हैं। देखो, 13,462 पदों की कटौती। अब क्या था कि पद बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर वन है, आपको पता ही है हमारे CM साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जो ये भर्तियां हैं इनको लेकर, मतलब कुछ भर्तियाँ हो रही हैं अच्छे तरीके से हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो रही, लेकिन जो पद ख़त्म किए जा रहे हैं, वैकेंसियाँ कम की जा रही, ये कहीं से भी मतलब हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छा नहीं है। अब पद बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, उसके अनुपात में रेशो में पद बढ़ने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने ख़त्म किए हैं। ये चाहते ही नहीं लगाना, ये चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे लगाना, ठीक है। तो ये इसके आगे देख लेते हैं एक न्यूज़। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग क्या करेगा, 48 घंटे के अंदर ही आपका डिटेल रिज़ल्ट निकालेगा। अभी तक तो इन्होंने भाई, मतलब डिटेल रिज़ल्ट के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता था, हर बार कोर्ट में जाओगे तभी रिज़ल्ट मिलता था, उसके बिना तो आप सभी को पता है कोई रिज़ल्ट मिला नहीं। लेकिन अब ये कह रहे हैं हम 48 घंटे में रिज़ल्ट दे देंगे, कह रहे हैं होगा या नहीं होगा और बाद की बात, क्योंकि ये जो कहते हैं और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इतनी बार तो इनकी डेट बदल चुकी है, CET की रूल बदल चुके हैं, अपनी बात से ही पीछे फिर जाते हैं ये। तो इस बात पे कोई आप ये लेके मत चलियो कि 48 घंटे में हो ही जाएगा आपका डिटेल रिज़ल्ट, ये मतलब अभी वही गवर्नमेंट है, वही HSC है, आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा। अब जो ये न्यूज़ जो पहले मैं बता रहा था, ये पहले आई थी 2-4 दिन पहले कि इतनी नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं, 13,000 पद ख़त्म कर दिए गए हैं और 9 माह में 6,000 इतनी नौकरियां थी। ये पहले की चली हुई भर्तियां 3-4 साल से, जो अभी 6,000 ये दिखा रहे हैं जो भर्तियां दी गई हैं। अब बात आई जो अभी वैकेंसी निकली है TGT की, तो उसमें अभी HSTAT की वैलिडिटी जो बढ़ाई गई है वो इसलिए बढ़ाई गई है ताकि वैकेंसी निकलने के बाद और भी युवा आपके फिल करेंगे, उनकी फ़ीस गवर्नमेंट के पास जाएगी। उसके बाद इन HSTAT वालों को वैलिड ज़रूर किया जाएगा इस TGT भर्ती में और PGT में भी। देखिए, PGT की जो नोटिफिकेशंस है आपका अगले वीक देखने को मिल सकता है,
7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपका पीजीटी का भी नोटिफिकेशंस आ जाएगा एचपीएससी की तरफ से, ठीक है। तो जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया वो एचटेट का ज़रूर फिल कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम 2016-15-16 या में जो वैकेंसी आई थी उसमें ऐसा ही किया गया था। एचटेट वाले नेक्स्ट जो एचटेट थे उस टाइम के वो वैलिड किए गए थे, तो आप अपना एचटेट ज़रूर फिल कीजिए। और जो इन्होंने कर रखा कि लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं की है, 7 साल हैं, क्योंकि इनको पता भाई लाइफ टाइम कर ली तो इनके फिर जो फॉर्म कर रहे हैं बच्चे फिर कम करेंगे, इनकी फ़ीस कम आएगी, इसलिए इन्होंने सी टैट का भी इनवैलिड कर दिया। चलो वो तो ठीक है कि हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छा ही है, पर इनकी रणनीति वही है कि फीस इकट्ठे करते रहो, जॉब देनी नहीं है। और बात रही इलेक्शन की, कि जो ये भर्ती है आपकी इलेक्शन तक जाएंगी, आप लगा के चलो 2024 में इलेक्शन है तो 2024 तक इनका रिजल्ट आते आते इतना लंबा खींचेंगे। हाँ, लेकिन टेस्ट आपके 2023 में स्टार्ट हो जाएंगे, सीटी का पहले हो सकता है, लेकिन बाकी सारे जो टेस्ट होंगे 2023 में आपके टेस्ट ही टेस्ट होंगे। अपनी तैयारी अच्छे से रखो, अगला साल आपके लिए जॉब ला सकता है भाई, क्योंकि ये आपके इलेक्शन से पहले ये ज़रूर कुछ ना कुछ, ये जो बेरोजगारी का इतना चला हुआ है ये जॉब इसलिए इन्होंने रोक रखी थी सारी की सारी 3-4 साल से, कि इलेक्शन के टाइम देते, हर गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, ठीक है। तो अपनी तैयारी रखो, नेक्स्ट ईयर आपके जॉब का हो सकता है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आपको इस चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।